हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, स्वागत है जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं हमारी इस प्यारी सी सोल फैमिली में, आप सभी का तहे दिल से थैंक यू सो मच इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे कि अगर आपको काफ़ी लंबा अरसा हो गया है अपने पर्सन की वेट करते हुए, उनके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हुए, चैंटिंग करते हुए, स्पेल करते हुए, तो फिर भी उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आपको, तो आपको ऐसा क्या करने की ज़रूरत है कि उनका रिस्पॉन्स इमिजिएटली आ जाए? तो आज हम ये चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, अभी इस समय वो क्या लेकर सोच रहे हैं आपको, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, और आप लोगों को ऐसा क्या करने की ज़रूरत है, तो हम वो भी आज फाइंड करेंगे। तो चलें लीजिए, अपने पर्सन का नाम रीडिंग जर्नल है, थीथा पर ध्यान नहीं देना है आपको। आपको वीडियो को एंड तक देखने के लिए प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अपने पर्सन की फ़ोटो निकाल लीजिए, देखिए उनकी ओर, फोकस कीजिए उनकी आंखों में, नाम लीजिए उनका अपने नाम के साथ 3 बार, बुलाइए उनको अपनी तरफ। तो देखते हैं यूनिवर्स हमें कौन से कार्ड्स देते हैं। तो यूनिवर्स, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मन ही मन में उनका नाम ले रहे हैं, तो यूनिवर्स बताइए कि वो मेरे व्यूवर्स को अभी तक अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है। दीजिए कार्ड्स और बताइए कि मेरे व्यूवर्स को इस समय क्या करने की ज़रूरत है। ओके, यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोल रहे हैं। तो आप निकलिए अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर, पॉजिटिव हो जाइए। तो देखते हैं और कौन से कार्ड्स आते हैं। आई होप आपने प्रेयर कर ली होगी, तो मैं कार्ड्स निकालने वाली। ओके, ये आप लोगों की एनर्जी निकल के आई है बाहर। किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जिसके कारण आप दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है या बहुत कम बातचीत आप दोनों में हो रही है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, वर्ल्ड कार्ड आया है, तो ऑल्सो एक साइन है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। यस, थ्री ऑफ फ्रेंड्स आया है, तो आप दोनों में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है, और ये आपकी एनर्जी निकल के आई है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन तो यहाँ पे डेफिनेटली है, तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो। द लवर्स कार्ड आया है। ओके, समझ गई इस समय आपको क्या करने की ज़रूरत है, अगर आप बात मानो। एंड बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप्स। अगर आप जैसे रीडिंग में गाइडेंस आती है, आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत उनको चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बार बार अपने पर्सन को कॉल करते हैं, उनसे बात करने की ट्राई करते हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसी बात पर आपके पर्सन चिढ़ जाते हैं, जिसके कारण आप दोनों में दूरी बढ़ती ही जा रही है। तो चलें अब हम बात करते हैं कि आपको ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन इस समय आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से अपने पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपके पर्सन आपको एक कोल्ड बिहेवियर दिखाते जा रहे हैं, आपके मैसेज ना पढ़ना, सीन ना करना, और आपके कॉल का रिप्लाई ना करना। एक कोल्ड बिहेवियर मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का नज़र आ रहा है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरी बनाए जा रहे हैं, और दूरी ऐसे लग रहा है कि वो इस दूरी को मेंटेन रखना चाहते हैं, वो आपसे अभी इस समय कोई बात नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों में ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है जिसके कारण आप दोनों के बीच में ये दूरी आई है।
अपने आप को आपके पर्सन काफ़ी ऐसे उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस समय काफ़ी पेन में है, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा तो ज़रूर हुआ है जिसके कारण आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। देखो ताली दोनों हाथों से बजती है, हो सकता है कि आपके कुछ वर्ड्स उनको हर्ट कर गए हैं या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे आपके पर्सन आपकी तरफ से उनका साथ चाहते थे लेकिन आपने उस समय उनका साथ नहीं दिया। अगर मैं आपके पर्सन की आपको एनर्जी बताऊँ ना, तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी बात से आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है, हो सकता है गलती तो आपसे भी हो सकती है माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, तो ऐसी गलती कुछ आपसे हो गई है या आपके दोनों के बीच कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है जिसके कारण आपके पर्सन आपसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं आपसे बात करना लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उनको कुछ पेन आपसे उनको कुछ पेन मिला है जिसके कारण वो आपसे एक दूरी मेंटेन करके बैठे हैं, मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं और मूव ऑन करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर सन कार्ड देखें तो आपके साथ वो एक कंप्लीट लाइफ देखते हैं, काफ़ी पॉजिटिव होकर सोचते हैं। जब वो आपको याद करते हैं तो वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी रानी बना के रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ आप दोनों के बीच ऐसी सिचुएशन हुई है जो आप बेहतर जानते हो कि ऐसी थर्ड सिचुएशन आप दोनों के बीच में कौन सी आई है, 3 नंबर आया है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ थर्ड सिचुएशन आई है जो कि आप दोनों के कारण ही क्रिएट हुई है। इस समय आपके पर्सन अपने आप को काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, काफ़ी पेन दिखाई दे रहा है उनकी एनर्जी में। आपकी कोई ऐसी बात है जो उनको चुभ गई है या इनके घर वालों से आपको लेकर कुछ ऐसी बात हुई है जिसके कारण इनका अपने घर वालों के साथ मनमुटाव चल रहा है, जिसके कारण ये आपसे बात ना करना, आपको इग्नोर करना यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी का जो गुस्सा वो आप पर निकालते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका थर्ड पार्टी को पता चल गया हो जो कि झगड़े का कारण बना है, किसी बात से बहुत अपसेट फील दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपको मिस भी करते नज़र आ रहे हैं और साथ ही ये सोच रहे हैं कि क्या इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या इसको पता नहीं चलता है मैं इस समय काफ़ी पेन में हूँ, क्या मुझे कोई भी नहीं समझ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हर तरफ से घिरे हुए हैं परेशानियों से, काफ़ी मायूस मेरे को आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। पास में आपके साथ काफ़ी खुश थे, वो आपके साथ जब होते हैं तो अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद एकदम से इनमें 360 चेंज आया है। हर तरफ हार का मुंह देख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हुए भी मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। घर में भी इनके काफ़ी परेशानी दिखाई दे रही है, ताने सुनते नज़र आ रहे हैं। मे भी इन्होंने अपने घर वालों से आपके बारे में बात की थी लेकिन उनके घर वालों ने आपको लेकर कुछ झगड़ा स्टार्ट कर दिया जिसके कारण आपके पर्सन काफ़ी मायूस मेरे को नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, किसी का साथ भी नहीं है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं क्योंकि द लवर्स कार्ड आया है, आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, बट मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर चेंज तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे जैसे पहला कार्ड ही डेथ कार्ड आया है तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको अपने अंदर चेंज लाने के लिए भी बोल रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशन में काफ़ी झुकते जा रहे हो, आपके पर्सन आपको अवॉइड करते जा रहे हैं लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना देखते हुए अपने पर्सन को चेज करते हुए नज़र आ रहे हो, उनके पीछे भागते नज़र आ रहे हो, काफ़ी टेक्निक्स करते हुए मेरे को आप नज़र आ रहे हो। ये व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हो इनको अच्छे से पता है कि आप इनके साथ इमोशनली अटैच्ड हो, जिसके कारण इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप उनकी वेट कर रहे हो या उनके पीछे आ रहे हो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितनी दूरी बनती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये आपको इग्नोर करते जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो। ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं और आप भी इनको स्टॉक कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके अंदर जो चेंज आना चाहिए वो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से, इस पीछे भागने वाली सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है। आपको क्या करना चाहिए, चेज़ करना बंद करना होगा।
जो आप हर समय अपने पर्सन को स्टॉक करते रहते हो ना, आपको वो चीज़ बंद करनी होगी। जो आप सैड सैड स्टेटस डालते हो, पिक्स डालते हो, आपको वो करना बंद करना होगा। जैसे आपके पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, वैसे ही आपको अपने पर्सन को एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करना होगा। अब आप बोलोगे कि दीदी इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे इनसिक्योरिटी डेवलप होगी आपके पर्सन के अंदर। वो तभी आप दोनों के रिलेशन में तभी बैलेंस होगा जब आप दोनों इक्वली चलोगे। अगर वो गोस्ट कर रहे हैं तो आप भी करो, अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो आप भी करो। इससे क्या होगा, बैलेंस आएगा। ये नहीं कि आप उनके पीछे भागते जा रहे हो, पेन सहते जा रहे हो, रातों को सो नहीं पा रहे हो, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, उनकी तरले मिनते निकालते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपके पर्सन हैं जो जिनमें काफ़ी ईगो है, वो एकदम से अकड़ के बैठे हुए हैं। तो आपके आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये करने को बोल रहे हैं कि आपको अपने अंदर एक चेंज लाना है। अब आपको उनकी पोजिशन पर जाना है और वही चीज़ करनी है, टेबल को टर्न करना है। हमने यहाँ पे अगर आपको टेबल टर्न टेक्निक का नहीं पता है तो मेरे को बताना, मैं आपको बताऊंगी कि टेबल टर्न टेक्निक क्या और कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। आपको इस रिश्ते में बराबरी लाने के लिए अब आपको ज़िद्दी बनना होगा, ठीक है। आपको अब ये बोलना होगा कि बस बहुत हो गया, मैं बहुत भाग ली इस पर्सन के पीछे, मैं बहुत भाग लिया इस पर्सन के पीछे, लेकिन अब इस रोने धोने को आपको बंद करना होगा। अब आपको मैदान में आना ही होगा और इस रिलेशन में बैलेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अब जो आपके पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अब आपको उनको वापसी से वही साइलेंट ट्रीटमेंट देना होगा। थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनना होगा, माना ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि हम लोग वो अगर किसी को देते जाते हैं और सामने वाला लेता जाता है तो सामने वाला हमको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देता है। तो यूनिवर्स आपको इस नेगेटिव एनर्जी से सबसे पहले बाहर आने को बोल रहे हैं। यस, डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी फिर से कि आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन ये आप कर पाओगे, तभी इस रिश्ते में ग्रोथ आएगी। आप अपने पर्सन की तरफ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर देखोगे। आपको आपके पर्सन कॉल करके पूछेंगे, भाई तुमको क्या हुआ है, क्यों ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि आप उनके साथ इमोशनली पूरी तरह से अटैच्ड हो, आप उनसे दूर नहीं जा सकते हो, चाहे वो कितना टाइम ले ले, लेकिन आप कहीं जाने वाले नहीं हो। तो उनके इस भ्रम को ही हमको तोड़ना है, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव एनर्जी में आना है, थोड़ा सा बोल्ड बनना है और थोड़ी सी हमको ज़िद्द करनी होगी। क्योंकि इस समय आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे चल रहे हो, द हाई प्रिस्टेस आया है, तो जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हैं तो हमें बहुत अपने मन के अंदर एक पीस, एक शांति फील होती है, और हम इन चीज़ों को, इस नेगेटिव सिचुएशन से निकलने में हमें काफ़ी हेल्प होती है। क्योंकि अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या बताता है कि जो आप दोगे वही आप रिसीव करोगे, ठीक है। आप अपने पर्सन को दे रहे हो इंतज़ार, अपना रोना धोना, हाय मेरा बाबू, हाय मेरा सोना, क्या मैं उसके बिना कैसे जीऊँ, मैं क्या करूँ, आप उनको ये दे रहे हो। अगर आप बोलोगे कि नहीं, अब आपको इस, आपको अपने अंदर चेंज लाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जाना है, सेल्फ लव की तरफ जाना है, तो बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। क्योंकि आपकी जो रीडिंग में द लवर्स कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स आया है, आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है, ठीक है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के आ जाएंगे, नहीं, अगर मतलब वो फैमिली को नहीं भी छोड़ पाएंगे, लेकिन इस रिश्ते में कुछ ना कुछ तो आपको आंसर मिलेगा। जो आप काफ़ी टाइम से बीच में झूल रहे हो, लटक रहे हो, वो तो ख़त्म होगा, वो इंतज़ार, वो पेन तो ख़त्म होगी। तो यूनिवर्स आपको अपने आप में चेंज लाने के लिए बोल रहे हैं। तो थोड़े से हम एंजल मैसेज भी देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं। तो अभी तक अगर आपने रीडिंग को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस रीडिंग को, इस वीडियो को आपने लाइक करना है और इस एनर्जी को क्लेम करना है। तो अपनी ज़िंदगी में सन, खुशियां लाने के लिए, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, आप खुद देखो, सन कार्ड आया है, अपनी लाइफ में खुशियां लाने के लिए आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना है, तभी आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, एंड दी लवर्स, और आपको यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग दी जाएंगी। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है,
ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो। चलें अब हम चेक कर लेते हैं। यस, अभी इस समय रीडिंग देखते समय अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आंसर यस है। तो चलें अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा क्लेम करने के लिए, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो आपने इस वीडियो को फिर से यस आया है, इसको हम ले लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कार्ड्स देख ही लें फिर हम, नहीं तो रीडिंग लंबी हो जाएगी। चूज़ द न्यू डायरेक्शन, मैंने कहा ना डेथ कार्ड आया है तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि नई डायरेक्शन को चूज़ करो। यस, ये सब होगा, कुछ ही हफ्तों में हो जाएगा अगर आप इस दिशा में चलते हो। बिग हैप्पी चेंजेस, नए अच्छे और खुशी वाले चेंजेस आएंगे। द सन कार्ड आया है। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की देरी है, आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से निकलने की देरी है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके जैसे ही आप एक्शन लोगे तो सन कार्ड आया है, आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बैठे मत रहो, कुछ एक्शन लो। जो आपके पर्सन हैं उनके बारे में आप क्या करो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। क्या वो वापस आएंगे? जैसे मैंने कल की रीडिंग में आपको बताया था कि आपको कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, आपको पॉइंट्स लिख लेने हैं, कब उन्होंने साथ दिया कब छोड़ा, पलड़ा किसका भारी रहा, आपको वो चेक करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप बहुत जल्दी, डेथ कार्ड की जैसे आया है रीबर्थ होता है, इसका मतलब कि किसी पुरानी चीज़ का ख़त्म होना और एक नई ज़िंदगी का, एक नई शुरुआत होना, एक नया आगाज़ होना। ठीक है, तो अगर आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो तो इस रोने धोने वाली कंबल में मुंह डाल के रोना धोना और सैड स्टेटस लगाना, इसको सब आप बंद कर दो। अब आप उनकी जगह पे आ जाओ। तो बताना मेरे को, टेबल टर्न टेक्निक के बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से आपने इसको लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको आपने सब्सक्राइब करते हुए जाना है और अपना खूब सारा ध्यान रखना है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।